जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के निहामा क्षेत्र में सोमवार सुबह से आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। दो आतंकियों के छिपे होने की खबर है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की एक ज्वाइंट टीम ने निहामा में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मुठभेड़ में घिरे एक आतंकी की पहचान टॉप कमांडर रियाज डार के रूप में की गई है। उसके परिवार को मुठभेड़ स्थल पर लाया गया है ताकि उनके कहने पर वह सरेंडर कर दे।